دوي ما ولا जी 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 बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि उनकी कमिटीज़ ने जैसे ही देखा उन्होंने उसी वक्त कहा कि हाँ इसे टैक्स फ्री होना चाहिए, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये फिल्म। तो चार स्टेट्स में इतनी जल्दी हमें मिल गया, मगर मुझे इंतज़ार है महाराष्ट्र का, क्योंकि ये है हमारा घर, ये है जहाँ बॉलीवुड है और यहाँ ये फिल्म बनी है। इसकी शूटिंग भी मुंबई और औरंगाबाद में ही हुई है, तो मुझे लगता है दूसरे तो इतना सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हमारे घर वाले हमें थोड़ी रिकग्निशन इसके लिए दे दें तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। आई थिंक मुझे अपनी फिल्म के बारे में मैं क्यों बोलूँ, आप उनसे ही पूछ लीजिए। ऑडियंस से बातें हो चुकी हैं, हमने देखा कि क्रिटिक्स ने भी काफ़ी सराहा और काफ़ी अच्छे रिव्यू भी दिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके, जिस तरह से क्रिटिक्स ने सराहा है, लोगों ने इससे क्या कुछ आपको अप्रिशिएट मिला है? बहुत दिल खुश होता है कि ये फिल्म जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे छू गई थी, तो उसी तरह आई थिंक जो ऑडियंस यहाँ आ रही है उनके दिल को छू रही है ये फिल्म, तो आई एम लाइक इस पर मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इस फिल्म में सबसे स्ट्रांग पॉइंट इसका कंटेंट है, इसकी लिखाई है, इसके इंटेंशंस हैं। अगर ये आपके दिल को छू जाए बस तो फिर काम हो जाएगा। आप इस तरह भी रोज शाहरुख खान को अगर आप ये फिल्म दिखाना चाहिए, आप उनसे कुछ डिमांड की थी, आप ये फिल्म आइए और देखिए। अरे सिर्फ वो ही नहीं, मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं किसी को भी बुलाऊं, लिटरली मेरी कोई स्क्रीनिंग ही नहीं हुई, क्योंकि ये इसी वक्त एन वक्त पे दो दिन पहले फिल्म तैयार हुई है और थिएटर में लग गए, और हम लोग प्रमोशंस के लिए इधर उधर मुझे समय नहीं मिला, मुझे फ़ोन करने का समय नहीं मिला। पहले तो मैं हम तीनों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये हमारे प्रोड्यूसर है मिस्टर अमित सरानी, ये हमारे राइटर है मिस्टर रंजीव, हेलो, उनकी मिसेस नीतू वर्मा जी, शी इज ऑल्सो को राइटर। बट मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से फिल्म आने वाली, ऐसा कुछ नहीं है, अभी अप्रैल में हमने फिल्म शुरू की थी, और अभी जैसे एक बालक 9 महीने में बाहर आता है वैसे ही हमारी फिल्म 9 महीने में बाहर आई है। रिजल्ट तो आपको पता ही है कि फिल्म का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों ने बहुत लाइक किए फिल्म को। कुछ कहना चाहेंगे कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर पहले कोई और थे, सडनली अब चेंज किया गया है, अब न्यू है, अब आज फिल्म रिलीज भी हुई, क्या कहना चाहिए? पिक्चर काफ़ी अच्छी है, टीचर्स के ऊपर है, आपने देखा होगा इस ये पिक्चर्स टीचर्स के ऊपर ट्रिब्यूट होनी चाहिए, देखना चाहिए सब लोग ने मिलकर, मेन बात वही है। और ऐसी स्टोरी और ऐसी स्टार कास्ट काफ़ी टाइम बाद आई है और आजकल के युग में आती नहीं है, सो प्लीज़ ज़रूर देखिए, सबके एक्टिंग को सराहा गया है, आपने को सबके क्रिटिक्स ने आपने देखा होगा कितना से सराहा है, सो प्लीज़ और ऐसे यही रिक्वेस्ट है जाकर देखिए। चलिए आप जानना चाहेंगे, क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहा है, तो जब ये स्क्रिप्ट हो रही थी तो क्या जहन में था कि इस तरह से अप्रिशिएट किया जाएगा, क्रिटिक्स भी सराहेंगे, 3 स्टार प्लस स्टार भी मिले? टू मैम विद लव, टू अवर टीचर्स विद लव, जयन सर, अमीन सुरानी सर, ये कहानी मुझे लगा कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो अंडर रेटेड जॉब है हमारे देश में, एक फिल्म बननी चाहिए, तो मैं सीधा वो कहानी में मैं जयन जी के पास, आप सब देख रहे हैं जैसे मैं एक्टर भी हूँ, पहले एक्टिंग करता था, तो जयन जी के पास हमेशा स्ट्रगल करता था रोल के लिए, तो फिर ऐसे थोड़ा राइटिंग का भी शौक था, तो मैंने बोला जयन जी मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको सुनाऊँ, जयन जी को सुना, तो मैंने सर को एक आइडिया सुनाया। जयन जी ने दो अच्छी मराठी फिल्म प्रोड्यूस की हैं, जो एक इनकी मराठी फिल्म सदर रक्षनाए को 9 स्टेट अवार्ड्स मिले हैं, इज अ अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन मराठी, सदर रक्षनाए रन मूवी। तो मैं उसी थॉट के साथ गया, मैंने कहा सर एक फिल्म बनाते हैं ऑन द प्लाइट ऑफ टीचर्स, और फिल्म का नाम रखते हैं मी शिक्षिका, मैं एक टीचर, हालांकि मैं पंजाबी हूँ बट मुझे एक टाइटल ऐसे मैंने पूछा तो मी शिक्षिका, तो जयन सर को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जयन सर को मैंने स्टोरी सुनाई, तो मैंने कहा सर एक कॉन्सेप्ट एक ऐसा है,
तो जैन सर को बहुत अपीलिंग लगा, फिर आगे आप बताओ ना सर क्या हुआ। जब इन्होंने सुनाया डेफिनेटली वो जो बोल रहे एकदम के मैं कार चला के जा रहा था, इन्होंने बोला सर एक आइडिया है मेरी शिक्षी का, मैं तुरंत इनको बोला हम अभी मिलते हैं, वरना अमूमन हम ऐसा करते हैं कि हाँ यार कल मिलेंगे परसों मिलेंगे। और जब इन्होंने वो मेरी शिक्षिका का कॉन्सेप्ट जो मुझे सुनाया, सुनाने के बाद इट वॉज सो अपीलिंग, जैसा अभी रंजीव जी ने बताया आपको कि हमारी टीचर्स के लिए हमें कुछ करना चाहिए, मतलब वो मैम जो मदर के बाद जो हमारी टीचर होती है, और वो आइडिया इन्होंने उसके बाद मुझे वापस और छः दिन के बाद कंक्रीट करने के बाद जब सुनाया तो आई वॉज फ्लैट कि फिल्म बने तो अब इसी पे बने फिल्म और हम इसी पे काम करेंगे। उसके बाद मैंने अमीन जी को आइडिया सुनाया कि अमीन जी ऐसा ऐसा कुछ हम बनाना चाहते हैं, इनके साथ बैठे हम बातचीत हुई, इनको आइडिया सुनाया तो इन्होंने भी एक ही मिनट में ग्रैब किया कि नहीं ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और इस पर काम करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने उसके तैयारी की, उसे पूरा अच्छे से बनाया, बहुत मेहनत लगी, बहुत सारी चीज़ लगी, बहुत एक्टर्स ने सपोर्ट किया, जैन सर ने किया, बाबा सर ने किया, रंजीव सर ने किया, शबान मैम ने किया। जैसे आप जानते हो कि पिक्चर टैक्स फ्री हो चुकी है, हो चुकी है चार जगह पे, दिल्ली भी हो गया, दिल्ली भी हो गई, दिल्ली भी हो, चार जगह पे टैक्स फ्री हो चुकी, टैक्स फ्री हो चुकी है। उसके अंदर शबाना मैम, जूही जी ने काफ़ी हेल्प की, उनके बिना ये टैक्स फ्री नहीं हो पाते, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन उन्होंने इसके लिए दिन रात एक करके हमें वहाँ तक पहुँचाया और सब मिनिस्टरों के लेवल पर बताया और इसे टैक्स फ्री करवा के रहे।